हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ 5G इंटरनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द 5G इंटरनेट, देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, जिसमें हम 2G 3G 4G इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन अबाउट 5G इंटरनेट एंड आफ्टर दैट हु इन्वेंटेड द 5G, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हु लॉन्च द 5G इन इंडिया। नाउ व्हाट इज़ द 5G। जो 5G है वो फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। ये जो है ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है आफ्टर 1G 2G और 3G एंड 4G नेटवर्क। ये से पहले के नेटवर्क हैं। और जो 5G है वो इनेबल्स करता है न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क जो डिज़ाइन किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए वर्चुअली टू एवरीवन और एवरीथिंग टुगेदर। इससे हम जो हैं मशीन्स, ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ में अच्छे से जो है यूज़ कर सकते हैं। 5G की हेल्प से आने वाले टाइम में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं जो एनहेंस होने वाली हैं। बहुत ही अच्छे से जो है हम ग्लोबली और वैसे भी अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्वेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 5G इंटरनेट। 5G से पहले हमारे पास प्रीवियस जनरेशन मोबाइल नेटवर्क्स रह चुके हैं, जैसे हमारे पास 1G 2G 3G 4G ये अलग अलग नेटवर्क हमारे पास थे। सबसे पहले 1G जो फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क था, ये 1980s में जो है आया था और ये डिलीवर करता था एनालॉग वॉइस को। उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन 2G आया था जो इन अर्ली 1990s आया था। ये जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था डिजिटल वॉइस। उसके बाद हमारे पास आया था थर्ड जनरेशन 3G जो अर्ली 2000 में आया था। 3G ने मोबाइल डाटा हमारे तक कनेक्ट किया था। इसकी मोबाइल की हेल्प से हम इंटरनेट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये हम सबको देखने को मिला था। उसके बाद हमारे पास 4G आया था, फोर्थ जनरेशन नेटवर्क इन 2010। इससे जो है बहुत ही वास्ट 4G की जो था उससे घर घर इंटरनेट आना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो गया था लोगों के लिए। इसी से जो है बहुत सी चीज़ें लोगों ने, हर घर इंटरनेट आ गया, सब हर जगह डेवलपमेंट हुई है, लोगों का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ है। 4G की हेल्प से बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो अवेलेबल हुई हैं वो विद द हेल्प ऑफ 4G हुई हैं। सो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं 5G के बारे में डिटेल में। जो हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी है इसकी स्पीड हमें मिलती है 20 GBPS, जबकि हमारे पास जो 4G था उसकी थी 1 GBPS। मतलब कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस है, कितनी हाई स्पीड हमें 5G की हेल्प से मिलने वाली है। जो 5G है वो हमें लोअर लेटेंसी देती है, मतलब कम से कम टाइम में हमें रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से इम्प्रूव होगी परफॉर्मेंस इन द बिजनेस एप्लीकेशन एंड ऑल्सो इन द डिजिटल एक्सपीरियंस। मतलब अच्छे से अच्छी स्पीड परफॉर्मेंस विद इन द सेकेंड्स हमें इसके हेल्प से मिल रही है। जो हमारे पास 5G है उसकी जो स्पीड है वो फास्टर एज़ कंपेयर टू जो हमारे पास प्रीवियस नेटवर्क्स थे। ना सिर्फ इसकी स्पीड ज़्यादा है बल्कि ये हमें और भी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जनरल कैपेसिटी और थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस इन द स्मॉल एरिया जो है कनेक्ट हो सकते हैं एट अ टाइम। मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ से कनेक्ट हो सकते हैं, ये फीचर भी जो है 5G हमें प्रोवाइड कर रहा है। नाउ हु इन्वेंटेड द 5G। नो वन कंपनी और अ पर्सन ओन्स 5G। ना सिर्फ एक कंपनी या एक बंदा जो है 5G को रन नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज़ की हेल्प से, मोबाइल इकोसिस्टम की हेल्प से जो है 5G को इन्वेंट किया गया और हमारी डेली लाइफ में लेके आया गया। ये एक तरह से टीम वर्क है बहुत सारी कंपनीज़ का, जिसकी हेल्प से आज के टाइम में हमारे पास 5G अवेलेबल है। नाउ द क्वेश्चन, हु लॉन्च द 5G इन इंडिया। इससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड पुट द ब्यूटिफुल कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो हु लॉन्च्ड 5G इन इंडिया। जो 5G सर्विस है वो फर्स्टली लॉन्च की गई है इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 अक्टूबर 2022। वन भारती एयरटेल एंड द सेकेंड रिलायंस जियो, ये दो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने 5G नेटवर्क को हमारे कंट्री में
लेके आए हैं और इस सर्विस को हम तक प्रोवाइड करने की पूरी जो है टीम वर्क और परफॉर्मेंस दी है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और एक अच्छा सा कमेंट पुट कर देना। थैंक यू।